Hey guys, welcome to my another vlog. I hope आप सब लोग बढ़िया होंगे guys. I know कि traffic की बहुत ज़्यादा noise आ रही होंगी, but सबसे पहले आप सभी को जय श्री राम. आज है 17 अप्रैल, रामनवमी है. So अभी मैं जा रहा हूँ शोभा यात्रा देखने के लिए शिवाजी चौक महल पे. अभी शोभा यात्रा आ चुकी है, बट मैं अभी अमन के यहाँ जा रहा हूँ बर्डी. तो वहाँ से भी शोभा यात्रा निकलती है. बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाला है भाई, बहुत ही ज़्यादा. सो चलो जल्दी चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ हर बार जैसे. तो चलते हैं जल्दी से भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है. सो गाइस, अभी थोड़ा सा प्लान में चेंज है. पज्जू आ रहा है मेरे घर पे, फिर हम दोनों यहाँ से साथ में निकलेंगे बर्डी के लिए. बस घर से निकला है, थोड़ा सा वेट करता हूँ उसके लिए और यहाँ से निकलेंगे भाई. बहुत टाइम के बाद में मैं, इसके पहले जो था नहीं, इसके पहले मैं पुणे में था, तो वहाँ पे शोभा यात्रा वगैरह इतना कुछ पता नहीं था. ऑफिस में था भाई, हमको छुट्टी नहीं मिलती थी, बस US हॉलीडेज़ मिलते थे. सो इस बार एक साल के बाद में, और इसके पहले लॉकडाउन था तो शोभा यात्रा देखने मिली नहीं. तो बहुत सालों के बाद 2024 में फाइनली शोभा यात्रा देखने मिल रही है. बहुत ज़्यादा मात्रा में झांकी है, लाइक कुछ 85 मैंने देखा था नागपुर न्यूज़ में, तो 85 जाके ऐसा बताया गया 85 है, और भी ज़्यादा हो सकती है. मैं आपको पूरी तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है. तो जितनी भी औसम झांकियाँ होंगी बहुत ही ज़्यादा सुंदर, वो दिखाऊँगा. सो थोड़ा देर वेट करते हैं पज्जू का और फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी से. यो बोए, क्या बोलता भाई, बढ़िया चलते. गाइस पब्लिक देखो कितनी ज़्यादा है, पैदल जा रही है शोभा यात्रा देखने के लिए. और यहाँ पे क्राउड देखो कितना ज़्यादा क्राउड और ट्रैफिक है. ये देखो गाइस, यहाँ से शोभा यात्रा निकलेंगी और कितना क्राउड है यहाँ पे बहुत. और पुलिस का बंदोबस्त भी है, ये देखिए. सो गाइस जस्ट अभी हम लोग पहुँचे अमन के यहाँ पे, और यहाँ पे माहौल कुछ अलग ही चल रहा है. सो बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्राउड दिखाता हूँ और यहाँ का माहौल दिखाता हूँ आप सबको. गाइस देख रहे हो बर्डी में इतना ज़्यादा क्राउड है. मेरे साथ में है अमन, बहुत टाइम के बाद में पज्जू और लकी भाई. और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा आगे तरफ, वहाँ का सीन देखते हैं. और भाई 3 स्टार आ रही है डीजे धमाल पार्टी, बहुत ज़्यादा क्रेजी पना होने वाला है भाई. इन लोग कभी नहीं सुधरने वाले, छपरी की छपरी रहेंगे. तो आगे जाके दिखाता हूँ आगे कैसा सीन. अरे राम की लंका जला के, आए भगवान आए, श्री राम उसका पल जम लगा के, आए भगवान आए, अरे राम की लंका जला के, आए.
सेटअप लग रहा है और आई परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि कहीं पांडवों के लिए वीर बलवंत का ये रण उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में भगवान कृष्ण ने बलवंत को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की, जिसे वीर बलवंत ने स्वीकार किया। तदुपरांत श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश का दान मांग लिया।
Easy.